नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है। पुलिस ने एक इनामी असातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमीरपुर से सद्दाम हुसैन फोन लाइन पर मौजूद है। सद्दाम, किस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी और किस तरह से आरोपी को दबोच लिया गया है? देखिए नवीन जी, आपको बता दूं कि ये जो आरोपी जिनके पैर में गोली लगी है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, ये एक क्षेत्र में सरीला क्षेत्र में एक गैंग प्रचलित है, या यूं कहें गैंग है, बिच्छू गैंग, उसके लीडर हैं ये बीरपाल उर्फ पंटा और विक्की। ये बीते 12 नवंबर के दिन में पेट्रोल पंप है, एक अर्षदीप नाम से सरीला में पेट्रोल पंप है, उसमें इन्होंने गोली चलाई थी। वहां के कर्मचारियों के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की थी। उसी इसके पहले भी उसी पेट्रोल पंप पर लगभग एक महीने पूर्व मारपीट की थी कर्मचारियों के साथ में। उस संबंध में पुलिस के पास पहले से शिकायत थी। अब ये चूंकि गोली चला थी, बड़ी घटना हो गई थी, तो इसी को लेकर के शिकायत की गई थी पेट्रोल पंप मालिक के द्वारा। तो उसी में थाना जरिया पुलिस, जलालपुर पुलिस और स्वाट टीम, एक टीम बनाई गई थी पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के द्वारा, और इनको पकड़ने के लिए कल रात की बात है, मुखबिरों ने इनको सूचना दी पुलिस को कि ये राठ की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने इनको घेराबंदी की। घेराबंदी में पुलिस से बचाव के लिए इन लोगों ने पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने फिर अपने बचाव में गोली चलाई, जिसमें ये जो बीरपाल उर्फ बंटा है, इसके पैर में गोली लगी है और एक और आरोपी विक्की है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सद्दाम, इस व्यक्ति पर, इस आरोपी पर बताया जा रहा है कि इनाम भी घोषित था, तो इस तरह से क्या हिस्ट्री सीटर और पहले भी इसमें किस तरह के मामले इस पर दर्ज है? जी मैं बता दूं कि पहले मैं आपको बता चुका कि ये जो बिच्छू गैंग है, ये आपराधिक मामलों में ये पूरा गैंग सक्रिय रहता है। कहीं कभी आपने सुना होगा तमंचा लड़कों ने अभी फोटो वायरल की थी कुछ एक दो महीने पूर्व। ये बिच्छू गैंग है, ये आपराधिक मामले कृत्य करते रहते हैं। ये जो बीरपाल है, इसके ऊपर 18 मुकदमे संगीन मुकदमे दर्ज है, और ये जो विक्की है, इसके ऊपर 9 मुकदमे संगीन दर्ज है, जैसे कि 307 हो गया, या और जो संज्ञेय है वो मुकदमे दर्ज है। तो ये एक प्रकार से सातिर अपराधी कहे जाएंगे, और इनके ऊपर 25,000 रुपए का पुलिस ने, इसी वजह से पुलिस ने 25,000 रुपए का जो इनाम है वो भी रखा था पकड़े जाने पर। मतलब ये है कि असलहे इनके पास मिलते थे और कई लोगों के साथ मारपीट और धमकाने का, इस तरह के आरोप तो ठीक है, जाहिर होते हैं, लेकिन क्या इस इन पर कोई लूट या हत्या जैसे मुकदमे भी दर्ज थे? नहीं, ये तो विस्तृत जानकारी अभी नहीं हो पाई है, मगर ये जरूर है कि इनके ऊपर बहुत बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे, पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर थे, और ये बिच्छू गैंग है वो अधिकतर आपराधिक मामलों में ये गैंग सक्रिय। गैंग में कितने लोगों का गैंग है, कितने लोग सक्रिय रहकर काम कर रहे थे? देखिए नवीन जी, सुनने को तो मिला है कि इस गैंग में करीब 1-2 दर्जन लोग हैं जो जिले भर में कोने कोने में या अन्य जिलों में भी सक्रिय रहते हैं। ये बुंदेलखंड का काफी बड़ा गैंग माना जाता है जी, ये बिच्छू गैंग, उसी के सदस्य हैं। एक्चुअल में कोई अंक नहीं बता सकते, मगर काफी ज्यादा संख्या में इस गैंग के लोग अभी भी हमीरपुर में मौजूद है, मगर ये जो लीडर ये बीरपाल उर्फ बंटा और ये विक्की, ये दोनों थे। अच्छा सद्दाम, एक मुख्य आरोपी पकड़े जाने के बाद क्या लगता है कि बाकी गैंग के सदस्यों पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी? जिस प्रकार से पुलिस ने तत्काल 12 तारीख की बात है, आज 13 है, जिस प्रकार से बहुत जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की, थोड़ा ना थोड़ा जिस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई है उससे निश्चित रूप से जो अन्य अपराधी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भय व्याप्त जरूर होगा। जी नवीन, पुलिस कितनी बड़ी सफलता मान रही है, क्या कहना है पुलिस का? अब चूंकि ये इनामिया अपराधी है, तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और बहुत जल्द पकड़ लिया। पुलिस का मानना है कि ये लोग राठ जा रहे थे और ये किसी दूसरे अपराध को करने की फिराक में थे, तो चूंकि वो अपराध भी करने से पुलिस ने बचा लिया, तो पुलिस के लिए बेहतर बेहतर सफलता है। अच्छा सद्दाम, ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी से जब मुठभेड़ हुई उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, तो उसकी क्या स्थिति है? नहीं, पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है,
पुलिस ने जवाब जब फायरिंग की, हालांकि पुलिस के ऊपर जब फायरिंग किया, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, उसमें इसके जो ये वीरपाल उर्फ बंटा है, इसके पैर में गोली लगी है, इसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। पुलिसकर्मी कोई घायल नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी इसकी हालत कैसी है, सामान्य है या कुछ है? इसकी हालत सामान्य है, इलाज जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदाम इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमीरपुर से हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन, जो घटना से जुड़ी पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। आखिर पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, और अगर पुलिस लगातार सक्रिय होकर काम करेगी तो एक आतंक फैलाने वाले बिच्छू ग्रोहों का नेस्तनाबूद हो जाएगा, एक सफाया हो जाएगा। पेट्रोल पंप पे एक घटना हुई थी जिसमें पेट्रोल पंप मालिक व उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। इस घटना में राठ से 25,000 का इनामी गैंगस्टर का वांछित अपराधी वीरपाल उर्फ बंटा उसके साथियों द्वारा ये घटना कारित की गई थी। आज यह जानकारी मिली क्षेत्राधिकारी सरीला को कि एक और घटना करने की फिराक में है, तो इसकी घेराबंदी किया। 4 टीमें लगी जिसमें स्वाट टीम प्रभारी, जरियाप में और क्षेत्राधिकारी और जलालपुर की टीम, उसके बाद से इसकी घेराबंदी किया। ये एक अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था, जब इसको रोकने में की कोशिश किया तो बाइक छोड़ करके भागा। उसके बाद से इसने पुलिस के ऊपर, इसने और इसके भाई ने वीरेंद्र उर्फ विक्की द्वारा फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाया जो इसके पैरों में लगी, और इसके भाई विक्की जो जिला बदर अपराधी है उसको भी आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ लिया गया। ये घायल अपराधी बंटा के ऊपर कुल 18 मुकदमे हैं, और इसके भाई जिला बदर अपराधी जो विक्की है उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है, और ये सीधा सीधा एक लाइन आर्डर को चैलेंज कर रहा था कि गैंगस्टर में वांछित होते हुए भी उसके बाद से पेट्रोल पंप पे इसके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में तत्काल इसको उपचारार्थ हॉस्पिटल ले जाया गया, और जहाँ से इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना में एक विभाग का कर्मचारी आरक्षी जितेंद्र भी घायल हुआ है, जिसका भी इलाज चल रहा है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वीक।